इलेक्शन से एक महीना पहले भी निकल सकते हैं, इन साइफर केस की सजा होगी वो 5 से 7 साल हो सकती है। पीटीआई जो है वो रहेगी। इमरान खान जेल में है और कल कोई केस भी ऐसा जिसमें वो खुद पेश होने जा रहे हैं, तो खुद जा रहे हैं। हाँ जी, ये भी सुनने में आया, अदालत ने बुलाया भी है उन्हें, और लास्ट में कितना टाइम है अभी उन्हें और अंदर? मुझे नहीं लगता कि अभी कितना टाइम अंदर, कितनी देर है? मुझे नहीं लगता कि वो पेश हो, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, ये चीज इस वजह से शायद ना हो, तो ये बात हो सकती है। अब ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो अलग बात है, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा मामला। दूसरी चीज ये है कि इन साइफर केस की सजा होगी वो 5 से 7 साल हो सकती है। साइफर केस में 5 से 7 साल सजा हो सकती है, और उसके बाद जाहिर है इलेक्शन से एक महीना पहले भी निकल सकते हैं और इलेक्शन के 1-2 महीने बाद भी वो निकल सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे नजर नहीं आते कि आ जाए। हाँ ये जरूर है कि जो गर्म हवा है वो ठंडी हो रही है। इलेक्शन में पीटीआई बैलेट पेपर पे बल्ला होगा या नहीं होगा? याद रखना इलेक्शन हो रहे हैं ना, जनरल इलेक्शन, जी कोई भी फरवरी ये जरूर है कि क्या कहते हैं चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। जाहिर जब सजा होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, लेकिन पीटीआई जो है वो रहेगी, वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी। पीटीआई ठीक है, सारी जमातें लड़ेंगी, कालेदम कोई नहीं होगी। ओके ये इस तरह है।